हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और हो चुकी है प्यारी सी मॉर्निंग, और आशी उठ के अपना दूध फिनिश कर रही हैं। उसके बाद वो नहीं नहीं करेंगी। नहीं करा? अच्छा, एक बार हेलो बोल दो। ये देखो आशी नहा चुकी हैं, हमने आशी को नहला दिया है, और नहाने के बाद में आशी ने अपने आप से माला पहन ली है। और ये देखो आशी रेडी हो चुकी है, और वो साइकिल से नहीं उतर रही, वो रो रही है कि मम्मा धूप में देखो कितनी तेज धूप हो रही है, और आशी को इस धूप में जाना है साइकिल के से, इसलिए आशी रो रही है। आशी, आपको धूप में जाना है बेटा? क्यों, धूप हो रही है बेटा बहुत तेज। अच्छा, पापा के साथ चलेंगे, पापा के साथ। अच्छा सुनो, क्यों आपने नहाई नहाई कर ली? तो चलो अभी धूप क्या करना है आपको बताओ, कहाँ जाना है? देखो देखो देखो, आशी को जाना है इधर, इतनी तेज धूप हो रही है, कड़क वाली धूप है पूरी, और आशी को धूप में जाना है, इसलिए आशी रो रही है, कह रही है कि भैया मुझे धूप में लेके चलो। भाई इतनी गर्मी में, इतनी धूप में कैसे लेके जाए अपनी गुड़िया को? और ये देखो इन्होंने खुद ही माला पहन ली है, इन्होंने अपने आप ही उठा के नहा धो के आराम से पापा का वेट कर रही है। अब पापा आएंगे ना बेटा, पापा लेके चलेंगे, ठीक है? अच्छा ठीक है, चलो 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 चलो, बताओ कहाँ चले, बताओ। अच्छा सुनो, कहाँ चले? अच्छा इधर। अच्छा एक बार बता दो आपके हेयर्स कहाँ है? नहीं बताना, नहीं बताना, ठीक है ठीक है। अच्छा जोनी जोनी, अच्छा ये भी नहीं करना, कुछ नहीं करना आशी को, भाई आशी को सिर्फ धूप में जाना है, और बहुत कड़ाके की धूप है, भयंकर वाली, और आशी को तो धूप में ही जाना है, और वो साइकिल पे बैठी हुई है देखो। और ये देखिए हम आ चुके हैं पार्क में, क्योंकि आशी बहुत ज्यादा जिद कर रही थी बाहर आने के लिए, तो मैंने सोचा पार्क में चलते हैं, पार्क में थोड़ा सा छांव भी रहती है, और तब तक मौसम भी अच्छा हो गया था, नहीं, नहीं। हो गई थी, तो हम लोग पार्क में आ गए थे। आशी झूला झूल रही थी थोड़ी देर पार्क, आशी अपने पार्क में झूले झूले थे, उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे अपने घर। हे गाइस, फिर घर जाके हम लोगों ने खाना वाना खाया, खाना खा के हम लोग सो गए थे, उसके बाद उठे, शाम हो गई थी, और शाम को हम लोग आ गए ये शॉपिंग के लिए। हमें रात को एक बर्थडे पार्टी में जाना था, उसी की शॉपिंग के लिए हम लोग आए थे, बेबी का बर्थडे है उसी के लिए हम लोग गिफ्ट लेने आए थे। तो अब हम लोग शॉपिंग कर रहे थे, और ये देखिए आशी के पापा बेबी के लिए कपड़े देख रहे हैं, और आशी खेल रही हैं उधर, और फिर उसके बाद में हम लोग रेडी होंगे बर्थडे में जाने के लिए। और ये देखिए आशी के पापा करा रहे हैं बिलिंग, हमारी सारी शॉपिंग हो चुकी है डन, फटाफट से बिलिंग कराते हैं, बिलिंग करा के हम लोग निकलेंगे घर के लिए। और ये देखिए आशी कितना एंजॉय कर रही है, आशी को खूब मजा आता है, खेलने को मिल जाता है घर से बाहर जाकर। जा रहे हैं एक पार्टी में, और पार्टी में एक बर्थडे पार्टी है, बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ देखिएगा, और आशी भी रेडी हो चुकी है। बस अभी आशी के पापा कहीं गए हुए हैं, जैसे ही वो आएंगे फिर फटाफट हम लोग निकलेंगे पार्टी के लिए, और बस चलिएगा हमारे साथ में, बाय बाय। हम लोग रेडी होके बहुत देर हो गई बैठे हुए, आशी के पापा कहीं गए हुए हैं, अभी तक आए नहीं है, हम लोग उन्हीं के इंतजार में बैठे हैं, वो आएंगे तब हम जाएंगे। हे गाइस, तो अब हम रेडी हो चुके हैं, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, आशी भी रेडी हो चुकी है, और मैंने ये ड्रेस डाली है, और ये देखिए आशी फटाफट जल्दी जल्दी जा रही हैं, क्योंकि उनके पापा आ चुके हैं, और काफ़ी लेट हो चुका है, और हम पहुंच चुके हैं वेन्यू पर। जब हम वेन्यू पर पहुंचे तो हम लोग काफ़ी लेट हो चुके थे, बर्थडे का केक
कि कटिंग हो चुका था, सारी सारे मनीज हो चुकी थी, हम लोग काफ़ी लेट हो चुके थे। जब तक हम पहुँचे तो वहाँ पर फोटो सेशन वगैरह सब हो चुका था, बस चल रहा था वहाँ पर डिनर। बस फिर हम लोगों ने भी बस जाके सीधे डिनर थी, पार्टी डन। और ये देखिए आशी कितना एंजॉय कर रही थी, आशी पार्टी में खूब वो डांस कर रही थी, स्टेज पे बच्चों के साथ खूब खेल रही थी, इधर उधर भाग भाग कर रही थी, उसको खूब अच्छा लग रहा था। वो घर जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन घर तो जाना ही था। बस ये था पूरा ब्लॉग। पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कॉमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय बाय।